धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं धनु राशि के लिए। देखिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी ट्रांजिट जो है वो ये कह रहा है कि आपके राशि से पंचम भाव में बुध बृहस्पति और तृतीय भाव में मंगल शनि पूरे अप्रैल महीने में रहेंगे, तो अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा। केतु आपके मन को भटका सकता है, आप किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं रहेंगे, ईर्ष्या और कुंठा मन पर हावी रहेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी में आपसे कोई गलती हो सकती है और इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इस महीने सूर्य राहु और शुक्र भी आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, ऐसे में कई चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी, मेहनत करना मत छोड़िए, सतर्क होकर काम करिए, महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी और लाभ के योग बनेंगे। अप्रैल का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए शुभ साबित होगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी, कारोबार का विस्तार होगा, इस महीने नए साझेदार आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके लिए ये कल्याणकारी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, चैत्र रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव होता है, इस दिन आपको अपने घर पर राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए, खूब प्रसाद बांटना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को खूब खिलाना पिलाना चाहिए और राम जन्मोत्सव के खुशी में आपको अपने यहाँ कुछ पूजा पाठ का आयोजन भी करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।